हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनप्रीत जसल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे पेठे का हलवा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहिए हमें पेठा। ये मैंने पका हुआ पेठा लिया और इसको ग्राइंड किया है। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। मैंने इसे अच्छी तरीके से गर्म किया है। दूसरी साइड मैंने दूसरे गैस पर 2 ग्लास दूध एक पैन में डालकर उसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालकर उसको उबाल लिया है, ताकि हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरीके से बन जाए और छेती बन जाए। और दोस्तों, जो इस तरफ हमने घी गर्म करके रखा था, उसमें हम अब डालेंगे पेठा, जो हमें बहुत ही ध्यान से डालना है। दोस्तों, ये डालते समय ये ध्यान रखना है कि आप इसे हिलाते रहें, क्योंकि ये ना हिलाने के कारण ये जल भी जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसे तब तक हिलाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको फुल फ्लेम पर ही पकाना है, बाद में हम इसकी फ्लेम को स्लो करेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो दूध रखा है, उसमें उबाल अच्छी तरीके से आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आपको जो पेठा है उसे अच्छी तरीके से हिलाना है और 5 से 7 मिनट तक इसे हिलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा हलवा है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दोस्तों, आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि मैंने 2 दूध के 2 ग्लास डाले थे और इसमें शक्कर और इलायची पाउडर डाला था, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और इलायची पाउडर हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और स्वाद में तो इसका क्या कहना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आ चुका है। इसका टेस्ट खाने में ऐसा होता है जैसे गाजर का गजरेला। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दोस्तों, दूध ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है उसे लो रखना है, ताकि हमारा जो दूध और पेठा है जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है वह जल ना जाए। ये आपको इसीलिए करना है क्योंकि दूध भी हमारा गर्म है और जो हम पेठा बना रहे हैं वो भी गर्म है। तो अच्छी तरीके से इसमें दूध ऐड करके इसे अच्छी तरीके से हिलाना है, ताकि जो हमारे पेठे की लम्स ना बने और साथ ही साथ जो हमारा पेठा है वो दूध को अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर रहे, और इलायची पाउडर और साथ ही चीनी का जो टेस्ट है वो इसमें ऐड हो सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पेठे के हलवे में जो उबाल आ रहा है वो इसका टेक्सचर चेंज कर रहा है। साथ ही साथ आप इसमें टेस्ट के लिए वलीना एसेंस या आप कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया है, जो हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि आइसक्रीम या किसी भी और चीज़ खीर में जैसे कि यूज होता है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कस्टर्ड डालने के बाद कैसा हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दोस्तों, 5 से 7 मिनट पकाने के बाद, कस्टर्ड डालने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। मैंने इसमें 1/2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि मैंने इसमें पहले ज़्यादा डाल रखा था। आप इसमें ज़्यादा घी चाहते हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएं। दोस्तों, घी डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से हिलाना है, ताकि हमारा ये हलवा है वो जल ना जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।